तो ये है वैली का एंट्री पॉइंट, और यहाँ से कुछ ऐसा ट्रैक है। मौसम बहुत ठंडा है आज, बहुत प्यारी हवा चल रही है। अगेन फिर आपके साथ हिमांशु। ये वाला आप एरिया देख सकते हो, पूरा स्नो से कवर्ड, और जितना है ना, आपको मुझे लगता है कि जितने फ्लावर वैली में है उससे ज़्यादा है या उतने फ्लावर इस वाले रूट पर आपको मिल जाएंगे नॉर्मली देखने को। आगे भारत सर चल रहे हैं। अभी कुछ ऐसा हाल है, ठंड लग रही है, फ़ोन चार्ज नहीं है तो पावर बैंक भी साथ में। और अभी यहाँ से मैसेज पास हो रहा है यहीं से। वैली में एंटर होते ही आपको बहुत सारे फूल दिखेंगे। ये है आपको इनुला ग्रैंड फ्लोरा, और ऐसे में बीच में आपको लैंडस्लाइड के टूटे हुए पैर देखने को मिलेंगे। ये वाला रूट आपको नज़र देखने को मिलेगा, आपको मिल्की पल्सरें देखने को मिलेगी, हाँ, और चोरू आपको देखने को मिलेगा। मौसम कुछ आज ऐसा है, बहुत खूबसूरत मौसम है। वैली, हम वैली के एंट्री पॉइंट पे, मींस एंट्री गेट पे तो हम पहुंच गए, लेकिन एंट्री पॉइंट पहुंचने में अभी 4 किलोमीटर और है। ये आपका मिल्की पल्सरी, ये आपका हो गया कूट, ये इसे आप नॉर्मली चोरू बोलते हैं, ये हो गया आपका बालसम। बहुत सारे फ्लावर्स आपको स्टार्टिंग रूट में ही, वैली के रूट में ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है भालू के खतरे की, तो यहाँ पर अकेला कभी भी ना आए, ठीक है, ज़्यादा नाइट के टाइम पे खासकर, कि मतलब आपने लेट कर दिया और नाइट को नीचे उतर रहे हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन डे के टाइम में भी खतरा रहता है। अब क्या किया जाए, क्योंकि ये जंगल आप देख सकते हो। वैली का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आपका 2 किलोमीटर तक, जैसे कि आपको पुष्पवती रिवर ना मिल जाए, पुल क्रॉस आप जैसे करोगे वैसे उस वाली पहाड़ी पे चढ़ के स्टीप पॉइंट है। इन दो घाटियों के बीच आपका वैली पड़ता है। आज मौसम बहुत ठंडा है तो हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका वैली ऑफ फ्लावर में, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु गोलड़ा, और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के साथ। फिलहाल मैं हूँ वैली ऑफ फ्लावर में, तो वैली ऑफ फ्लावर के एंट्री पॉइंट से हम एंट्री गेट से 500 मीटर थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहाँ से लगभग ये वाला जो ट्रैक है, ये सीधा ही है, बन बनाया ट्रैक है, पूरा नेचुरल ट्रैक है, जैसे पत्थरों का बन बनाया है, कोई भी सीमेंट का यूज इसमें नहीं हुआ है। और अगर मैं अभी का टाइम बता दूं आपको, तो टाइम हो चुके हैं आपके 8 बज चुके हैं, 7 बजे हमारा मूविंग टाइम था घंघरिया से, और 8 बजे अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अराउंड 1 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। मौसम साफ है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, इसलिए हाथों में बहुत ज़्यादा ठंडा है लग रहा है आज। अगर नॉर्मली बताओ तो यहाँ आपको बहुत सारे पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे, हिमालयन बालसम आपको देखने को मिलेंगे, या आपको ग्रैंडी फो देखने को मिलेगा, आपको एरिगोन देखने को मिलेगा, आपको मेलो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको ऑन द वे वैली के स्टार्टिंग के ट्रैक में ही आपको ये इतने सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको चोरू देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ इस प्रकार से है ट्रैक, जो कि नेचुरल ट्रैक है। 2005 से जब से वैली ऑफ फ्लावर को हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो तब से ये वाला ट्रैक चलता आ रहा है, प्रॉपर पत्थरों का, ताकि लगे कि पूरा नेचुरल है, पूरा कंजर्वेटिव है। तो ये वाला ट्रैक यहाँ पे बनाया हुआ है, पूरा होल ट्रैक आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे अब हमारा स्टीप पॉइंट आएगा 2 किलोमीटर का, तो वैसे आपका ट्रैक और ज़्यादा संकरा हो जाता है, और ज़्यादा नैरो होता रहता है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे जैसे हम इस वाले पहाड़ी से उस बीच जाएंगे, तो आपको ट्रैक और नैरो देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, बगल में जहाँ से आप ये पानी की आवाज़ सुन रहे हो, ये है आपका पुष्पवती रिवर, जो कि वैली ऑफ फ्लावर से टिप्रा ग्लेशियर से निकलती है। अभी आगे पॉइंट में बताता हूँ आपको। ये है आपकी पुष्पवती रिवर, जो कि आपके अलकनंदा रिवर में गोविंद घाट में मिल जाती है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था तो स्वेटर पहन ली, अब गर्मी होने लग गई है, अब उतारने का समय आ चुका है। धूप लग गई है बहुत प्यारी, और इधर देख लीजिए, आजकल की फ्रेश स्नो है ये, 2-4 दिन पहले हुई थी, क्योंकि उससे पहले जब हम आए थे इतना ज़्यादा स्नो कवर्ड नहीं थे ये आपकी पहाड़, लेकिन आजकल 2-4 दिन की कंटिन्यू बारिश से आजकल स्नो कवर्ड है पूरा। रूट कुछ ऐसा है, टोटली स्टीप आ चुका है, टोटली मीन्स आपका ठीक ही एलिवेशन आप देख सकते हो, तो हालत थोड़ा ख़राब हो रही है। सबसे आगे हूँ मैं, और यहाँ पर करते हैं थोड़ा रेस्ट, क्योंकि पीछे से अभी बहुत पीछे छूट गया अपने ड्राइवर। ये आप देख सकते हो वैली का नज़ारा,
ये इन दो घाटियों के बीच है वैली, वैली पॉइंट, यानी आप समझ सकते हो इधर से है एंट्री पॉइंट और उसके अराउंड 4 किलोमीटर तक रिवर बेल्ट है आपकी। तो यहाँ लैंड स्लाइड हो गया था 1 साल पहले, तो ये वाला रूट बंद कर रखा था, तो हम जस्ट वॉशरूम करने आए थे इधर। फिलहाल अगर आपको बताऊँ, ये है सारे भोजपत्र की पेड़ जिसपे कभी किसी जमाने रामायण लिखी गई थी। इसकी एक बहुत छोटी पतली थिक लेयर आती है जो कि पेपर का यूज होती है। तो अभी आपका ये है वैली का नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा सामने आपका रखती। इधर से आप बद्रीनाथ भी जा सकते हो और आप केदारनाथ भी निकल सकते हो, ठीक है। पहाड़ों के पीछे बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपका वैली का एंट्री पॉइंट ये है और पूरा 4 किलोमीटर का है आपका रिवर बेड तक, तो आप पूरा इसे कवर कर सकते हो। फिलहाल ये है वैली ऑफ फ्लावर्स का खूबसूरत सा नज़ारा। इसके पीछे टिपरा ग्लेशियर जहाँ से ये रिवर आती है आपकी पुष्पवती रिवर, यहाँ से ट्रैक कुछ ऐसा बना हुआ है। रॉक फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं और हमारे साहब ट्रैक लीडर बड़े साहब सेरा यहाँ पर बैठ रखे हैं, अपने ट्रैकरों का इंतजार कर रहे हैं। पुल को क्रॉस करने के बाद लगभग आप वैली पहुँच जाओगे और अब हम पहुँच चुके हैं वैली के एंट्री पॉइंट में। सामने आपका रक्तवन और ये आपका एंट्री पॉइंट, यहाँ पर बहुत प्यारा पानी भी आता है। हमारा वैली का एंट्री पॉइंट और आजकल सारे फ्लावर बारिश के चक्कर से सारे झड़ चुके हैं। जितने भी आपको फ्लोर एंड फौना दिखेंगे, इन बालसम दिखेंगे और लती जरी, सामने आपको रद्दावन। थोड़े से जाओ आगे 50 मीटर। तो अभी आपके टाइम हो चुके हैं पूरे 1 बज चुके हैं और हम वैली से अभी मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो सामने कुछ ऐसा नज़ारा है, शाम के 3 बजने वाले हैं, 3 बज चुके हैं लगभग। और ये पढ़ लीजिए आप, फूलों की घाटी को पवित्र बनाए रखने में आपका सहयोग प्रार्थनीय है। और ये है कुछ ट्रैकरों की मेंटालिटी, देख सकते हो आप ऐसे करके। आप वैली का भी देख सकते हो कि कुछ टाइम बाद वैली में जो फ्लावर्स अभी अवेलेबल है, कुछ भी यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यार थोड़ा समझिए, जागरूक बनिए। क्यों आप इतनी खूबसूरत प्रकृति ने आपके पास इतनी खूबसूरत चीज़ दी है, ठीक है, फिर भी आप उसको ख़राब करने पे लगे हो, जब कहीं मिलेगा नहीं आपको, फिर आप ढूंढते फिरोगे मोबाइल में नेट में। हालत तो यार बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। लास्ट ट्रैक है अपना यहाँ का, तो थोड़ा सा वैली का मज़ा ले रहे थे, लेकिन वैली में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। फिर भी अगर यार ऐसी गंदगी ना फैलाए, मौसम कुछ ऐसा है कि इस तरफ पेड़ की वजह से छाँव ही छाँव है, उस साइड आपको धूप देखने को मिलेगी। इसके ऊपर ये साइड आपका हेमकुंड साहिब है जहाँ की हमने कल जाना है, और आपको यहाँ का ब्लॉग भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये है घांगरे आपका और हम पहुँच गए हैं लगभग घांगरे की ओर। यहाँ पे आपको एरेगोन दिखेंगे, ये रत्ती जली दिखेगी, बालसम दिखेंगे और ये अब हमने वाटरफॉल क्रॉस करना है। तो हम चेक पोस्ट को पार करके वापस आ चुके हैं। ये वाला रोड जाता है आपका वैली के लिए, सॉरी हेमकुंड के लिए, और यहाँ से डाइवर्जन है वैली के लिए। फिलहाल हम घांगरिया पहुँच चुके हैं, ब्लॉग का करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।